उस समय वो चीज ज्यादा पकड़ लेती है ना, उसको ज्यादा तकलीफ देती है, उसके पैर मुड़ जाते हैं, वो अपने बच्चों को मतलब कभी वो छत पे चली जाती कूदने के लिए, कभी कुछ बहुत ज्यादा, कभी स्प्रे ले लेना पी जाना, ऐसे बहुत चीजें होने लग गई थी। तो उसके बाद मेरे पापा ने बोला भाई नहीं, डॉक्टरी बीमारी होती है तो ये सब नहीं होता और ठीक भी हो जाता, मतलब कुछ तो डॉक्टर्स को समझ आता, इतना थोड़ी ना प्रॉब्लम होती। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी डॉट कॉम एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी का अनुभव इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आपने अपना समय निकाला और इनिशिएटिव ले रहे हैं हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहले ये बताइए आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? भैया मेरा पूरा नाम है सुमन निभरिया और मैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ जो कि हरियाणा में है। ओके, हरियाणा से आप बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छा लगा जानकर। और आपको तो पता ही है कि ये हमारा जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो दूसरा सवाल ये है कि ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए, उनकी पूजा भक्ति जीवन के ऐसे कौन से मोड पर आपने शुरू की थी और क्या पाठ वगैरह करते थे, डिटेल में सारे दर्शकों को बता सकते हैं? वैसे तो भैया मतलब हनुमान जी हमारे इष्ट देवता रहे हैं तो हम हमेशा से उनकी पूजा करते हैं। हमारे घर परिवार में हमने अपनी माओ को करते देखा है, अपने दादाजी पिताजी सबको हमने हनुमान जी की पूजा करते हुए देखा है, तभी से हमारा उनके साथ काफी ज्यादा लगाव है। किसी भी त्योहार में या किसी भी दिन पे हम उनको प्रसाद बना के, घर पे खीर हलवा बना के हम उनको देते रहे हैं, तो हमारा हमेशा से उनके साथ एक अच्छा लगाव रहा है। बट पर्सनली अगर मैं बोलूं कि मेरा उन पे विश्वास कब ज्यादा हुआ, मेरे साथ दो इंसिडेंट ऐसे हुए जब मुझे उन पर और भी ज्यादा विश्वास हुआ और मैं उनकी शरण में गई। ये इंसिडेंट एक मेरे साथ हुआ था 2013 में भैया, जब मेरी सिस्टर की शादी हुई थी और वो बहुत ज्यादा बीमार हुई थी तब। और दूसरा इंसिडेंट मेरे साथ रिसेंटली हुआ 3 से 4 महीने पहले, जब मैं अपनी स्टडीज कर रही थी और उसमें मेरे को रेगुलरली मेरे को फेलियर्स मिल रहे थे, बट मेरे को हनुमान जी की कृपा से मेरे को बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले और मेरी सिस्टर भी अभी बहुत अच्छी अपनी गृहस्थी जीवन जी रही है। अच्छा लगा जानकर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहते हैं ना कि हमारी भारतीय संस्कृति, स्पेशली हमारे जो सनातन धर्म के जो परिवार है ना, उसमें बचपन से ही ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को ढाल देते हैं पूजा पाठ में, प्रभु की भक्ति में। बहुत अच्छा लगा जानकर। तो आपने जो अनुभव, क्योंकि देखो मेन सेशन जो है आपको पता होगा जो भी आपके अनुभव है उससे रिलेटेड है, तो आप वन बाय वन बताइए कि आपके जो, आपने तो शॉर्ट में तो बता दी, तो अब मैं बताइए कि डिटेल में ऐसा कोई कार्य प्रभु ने असंभव कार्य संभव किया हो या प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया हो या उनके कोई संकेत मिले हो, तो वैसे अनुभव वन बाय वन आप डिटेल में सारे दर्शकों को बता सकते हैं। बिल्कुल भैया, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि मैं अपने अनुभव आपके साथ और पूरे दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मौका है हम सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का। मेरा जो पहला अनुभव है भैया वो मेरे साथ 2013 में हुआ था। मेरी, हम तीन बहनें हैं, जब मेरी सिस्टर की शादी हुई भरवाना राजस्थान में हुई उनकी शादी, उसमें वो बिल्कुल सही थे, उनकी एज ज्यादा नहीं थी, अराउंड 19 और 20 थी उनकी एज, पर तब तक वो बिल्कुल सही थे। जब वो अपने ससुराल में रहने लगे, पहले ही महीने भैया उनके किसी पड़ोस में से, मतलब कुछ औरतें होती है ना जो काला जादू करती हैं या कुछ ऐसी चीजें करती हैं, वो थी। तो उन्होंने क्या किया कि उसको 100 रुपए का नोट दे के गए भैया, जब उसकी मुंह दिखाई पर पहले ही महीने। तो अब उस समय इतना नहीं देखा कि 100 रुपए के नोट पर कुछ लिखा है या कुछ काटा हुआ है, तो बाद में जब देखा गया तो 100 रुपए की जो एक ऊंट है उस पे काट के कुछ रेड कलर का लगाया गया था, जो कि उतना शक नहीं किया, अभी वैसे लग गया होगा, बच्चों लगा देते हैं या बहुत सारी चीजें होती हैं, उस समय इतना शक नहीं किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे मेरी सिस्टर की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लग गई, उसकी आंखें ऐसे ऊपर चढ़ जाती थी, हाथ पैर पूरी तरीके से मुड़ जाते थे, सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग गई थी, मतलब
बहुत ही बुरा हाल हो गया था, जैसे उससे कोई ये सब करवा रहा है ना। हमने हर जगह, पहले तो हमने सोचा भी सिर्फ कोई दौरे होते हैं, जैसे शरीर में किसी तरह के दौरे हो या उस तरीके का कोई होगा, हमने डॉक्टर्स को भी दिखाया, बट किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है। फिर उन्होंने, जो मेरी सिस्टर्स के इन लॉज हैं, वो किसी देवता वगैरह को नहीं मानते थे उस टाइम ना, तो उन्होंने क्या किया कि उनने बोला सिर्फ डॉक्टरी बीमारी है, ऐसा कुछ नहीं है। बट धीरे धीरे जब वो और ज्यादा होती हुई, जब भी कोई त्योहार आते हैं, जैसे कोई दिवाली होली या अपना कोई त्योहार आता है हिंदू धर्म का, उस समय वो चीज ज्यादा पकड़ लेती है ना, उसको ज्यादा तकलीफ देती है, उसके पैर मुड़ जाते हैं, वो अपने बच्चों को, मतलब कभी वो छत पे चली जाती कूदने के लिए, कभी कुछ बहुत ज्यादा, कभी स्प्रे ले लेना, पी जाना, ऐसे बहुत चीजें होने लग गई थी। तो उसके बाद मेरे पापा ने बोला भी नहीं, डॉक्टरी बीमारी होती है तो ये सब नहीं होता और ठीक भी हो जाता, मतलब कुछ तो डॉक्टर्स को समझ आता, इतना थोड़ी ना प्रॉब्लम होती। तो हम इधर ले आए भैया उसको, 1 महीने तक हमने रखा। तो मेरे जीजा जी हैं, उन्होंने उनका, मेरी सिस्टर का पूरा सपोर्ट किया। वो 1 महीना हमारे पास इधर मताना में रहे, फतेहाबाद में। तो उसके साथ वो रहे तो हमसे वो हालत देखी नहीं जाती थी भैया, मतलब मैं रियलिटी बताऊं, उसके पूरे हाथ है वो बिल्कुल मुड़ जाते थे। इंसान ये ऐसा कर ही नहीं सकता, हम चाह के भी अपने हाथ इतने नहीं मोड़ सकते हैं। अपनी जो आंखें हैं वो पूरी दिखनी बंद हो जाती थी, पूरा ऊपर चढ़ जाती थी आंखें, जो फेस है वो पूरा यहाँ तक आ जाता था, जो नाक है वो भी यहाँ तक आ जाती थी, मतलब कुछ ऐसा होने लग गया था उसके साथ। उसके बाद मतलब मेरे पापा ने सोचा कि ये चीजें नहीं हो रही है सही, तो बाद में उसको वापस अपने ससुराल ही भेज दिया गया ना कि आप वहीं उसका दिखाओ। तो वहां जैसे जैसे लोगों ने बताया, ये इंसिडेंट हमारे साथ 2 साल हुआ, जैसे जैसे लोगों ने बताया कभी उदयपुर ले जाओ, उदयपुर एक बहुत बड़े बाबा हैं वो ठीक कर देंगे, क्योंकि पता तो चल चुका था कि ये बीमारी कोई डॉक्टर ही नहीं है, ये कुछ और ही चीज हो रही है। वो बोलने भी लग गया था मेरी सिस्टर के मुंह से, मतलब कभी कुछ बोलना, कभी कुछ बोलना, उससे कोई गलत काम करवा देना, बहुत कुछ ऐसा हो गया था। तो किसी ने बताया कि उदयपुर एक बहुत बड़े बाबा है, आप उनके पास लेके जाओ। तो उनके पास लेके गए, वहां पे भी कोई इतना सहारा वगैरह नहीं आया उसको। फिर जयपुर बताया, जोधपुर बताया, हर जगह, मतलब राजस्थान में सिरसा, ऐसी कोई जगह छोड़ी नहीं जहाँ पे उसको दिखाया ना हो ना। हमने तो आस ही छोड़ दी थी कि वो कम्प्लीटली मतलब खत्म हो जाएगी। उसके बच्चे वगैरह है वो भी हम यहाँ पे, मतलब हम मम्मी पापा ले आए थे कि अब तो मतलब कोई है नहीं, चांस ही नहीं है कि उसको अब बचेगी, उसकी हालत ही इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पापा को मतलब बिल्कुल एंड हो गया हमारा 2015 में, शायद 2015 में मेरे पापा उसको यहाँ फतेहाबाद ले आए कि बस बहुत ज्यादा हो गया। उसको टॉर्चर भी किया, मतलब कई बाबा होते हैं जो टॉर्चर भी करते जी हैं, मैं जी नाम नहीं लूंगी, पर वो टॉर्चर भी किया जाता था उसको। तो वो चीजें फिर मेरे पापा से, मम्मी से बिल्कुल सह नहीं होती थी। मेरी मम्मी का तो इतना बुरा हाल हो गया था, मतलब उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। वो तो सारा दिन हाथ जोड़ के मंदिर आके बैठते रहते थे कि अगर आपने ठीक नहीं किया तो मैं आपकी कभी पूजा नहीं करूंगी, हम आपको इतना मानते हैं, हम इतना करते हैं, पर आप हमारे कहीं भी आड़े नहीं आ रहे हो। वो चीज मतलब बहुत गलत है ना, आपको भी हमें कुछ सपोर्ट दिखाना चाहिए, बट कुछ हुआ नहीं। तो फिर मेरे पापा यहाँ ले आए, हमारा एक प्लॉट था भैया, मतलब 10 साल पहले इतनी माली हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी हमारी। तो एक प्लॉट था 20-1 लाख का, तो मेरे पापा ने यही सोचा कि वो प्लॉट बेच देते हैं और उसको हिसार या फिर दिल्ली के बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में दाखिल करवाते हैं, क्योंकि कहीं नहीं समझ आ रहा तो शायद क्या कुछ मेंटली प्रॉब्लम होगी, मेंटली उसको प्रॉब्लम हो रही हो, कहीं पता नहीं लग रहा है, उनके छोटे डॉक्टर है या कुछ भी। तो पापा ने वहां पे डीलर से बात करना शुरू कर दी। जिस दिन हम लेके जा रहे थे, उस दिन मेरे पापा ने, मम्मी ने बड़ी सिस्टर को कॉल किया कि भाई हम छोटे थे 10 साल पहले तक, भी बच्चे छोटे हैं, आप इनके पास आके रहो, इनके पास इनकी देखभाल करो, हम इसको लेके जा रहे हैं उधर दिखाने के लिए। तो उसके सास ने बोला भी चलो लेके तो आप जा रहे हो, हर जगह आपने दिखा लिया, तो एक काम करो आप कि खराती खेड़ा गांव पड़ता है,
हमारे फतेहाबाद से लगभग 20 मिनट का रास्ता होगा। अच्छा खराती खेड़ा गांव है, उधर हमारी बहुत अच्छी जान पहचान है और उधर एक हनुमान जी का मंदिर है। और उसमें क्या है कि एक बल्लू भगत जी नाम है भगत जी का, वो सेवा करते हैं। आप एक बार हमारे कहने से वहां और ले जाओ। पहले तो पापा ने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया कि नहीं नहीं लेके जाएंगे, मतलब कोई जगह उदयपुर तक मतलब ले गए, इतने इतने बड़े रास्तों पर ले गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो खराती खेड़ा तो बिल्कुल पास में है ना, वही बोलते हैं ना, जो चीज जड़ में होती है उसका हम यकीन नहीं करते हैं इतनी करना जल्दी। तो पापा ने भी यही बोला कि नहीं इतना कुछ नहीं होगा। तो उसने मतलब उन्होंने इंसिस्ट किया पापा पर कि एक बार तो आप ले जाओ, फिर तो आपको दाखिल करवाना ही है, मेंटली प्रॉब्लम है, आप करवा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही किया, तो पापा और लेके गए उसको खराती खेड़ा, मम्मी गए, पापा गए और सिस्टर गए। तो लेके गए थे तब उसको ऐसे गोदियों में उठा के लेके गए थे, मतलब उसकी चलने तक की कोई वो थी नहीं, उससे चला भी नहीं जा रहा था। तो वहां लेके गए, वहां बल्लू भगत जी मिले, काफी मतलब अच्छा माहौल था। हनुमान जी का मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई नया है, ऐसा कुछ नहीं है। धूने वगैरह है वहां पे, हनुमान जी की पूजा करते हैं वहां पे बल्लू भगत जी। उनसे पहले उनके एक बहुत बड़े भगत जी थे रोहतास भगत जी, वो भी वहीं पे उन्होंने समाधि ली, पूजा वगैरह की, जी वहीं की है सब कुछ। तो वहां लेके गए उसको, वहां उसको बैठाया तो उससे बैठा ही नहीं जा रहा, वो अपने बार बार अपनी गर्दन नीचे गिरा रही है, कभी खुद गिर जा रही है, मतलब उसका चलने का कोई है ही नहीं, उसको शक्ति नहीं है उसके पूरे मतलब बॉडी में कि वो कुछ कर भी सकती है ना, उसने पूरी तरीके से काम करना ही छोड़ दिया। तो भगत जी ने बोला कि आप इसको हाथ वगैरह मत लगाओ, एक काम करो आप इसको मंदिर के अंदर बैठा दो। मैंने अभी आज मम्मी से एक्सपीरियंस लिया कि आपको कैसा फील हुआ। तो मेरी मम्मी और ज्यादा जोर जोर से रोने लगी ना, मतलब ऐसा सुनते हैं कि जब भूत प्रेत होते हैं तो बहुत सारी और भी चीजें होती है या बहुत सारा, तो मेरी मम्मी को उससे और भी ज्यादा तकलीफ होने लगी। तो भगत जी ने बोला कि आप इसको हाथ ना लगाओ, ना इसको छेड़ो, आप इसको सिर्फ वहां पे बैठा दो, मैं अपने आप कर लूंगा। तो हमें तो वहां पे मतलब बल्लू भगत जी ने क्या किया, उसको पूरे तरीके से उसका दोष है वो अपने ही ऊपर ले लिया। मेरी सिस्टर को हाथ तक नहीं लगाया, हनुमान जी की कृपा थी कि उन्होंने कुछ ऐसा किया कि बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया नेचुरली ही। उनके ऊपर पूरा दोष उन्होंने अपने ऊपर, हनुमान जी ने अपने ऊपर लिया। मेरी सिस्टर को मतलब बत्तियां फेरी, उसको बहुत ज्यादा मतलब स्पिरिचुअली वहां पे थिंग्स किए, फेरी कटवाई, बहुत सारी चीजें कही, और नेचुरली 5 मिनट के अंदर मेरी सिस्टर वैसी हो गई जैसे 2013 में शादी वाले टाइम थी। हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल जब वो घर पे लेके आए, हमारी खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे थे, हमने देखा भी उसको कैसे लेके गए, वो खुद ही चली आ रही है, उसके हाथ में लिफाफा है, वो खुद ही आ रही है, उसको किसी के सपोर्ट की भी जरूरत नहीं है, हंसते खेलते वो आ रही है। 2 साल से हमने जिसको बोलते ही नहीं देखा, ये तो इम्पॉसिबल चीज है ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब फिर उसकी जो उसकी हालत जो पहले थी और अब थी, वो कंपेयर की, तो बहुत उसकी मतलब सहायता मिली हनुमान जी की कृपा से। मैं आज भी उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे इतने काम आए। उसी तरीके से फिर क्या हुआ कि उसको बार बार फिर फेरियों के लिए तो काफी बार बुलाया गया, क्योंकि वो कष्ट था, वो काफी भयंकर था भैया, उससे बच पाना इतना आसान नहीं था जितना हमने, क्योंकि 2 साल हमने हर तरह की नीतियां अपना के देख ली थी, जो हमसे हो सकता था, जो हम कर सकते थे, जिस बाबा के यहाँ हम ले जा सकते थे, बस कुछ भी नहीं हुआ। पर जैसे ही उसको खराती खेड़ा धाम लेके गए, मतलब बहुत ही हमें लगा कि सब कुछ है हमारे लिए, हमें तो वहां पे भगवान ही मिल गए हैं भैया। अब हमारे लाइफ में कुछ भी होता है, चाहे छोटा इंसिडेंट, बड़ा इंसिडेंट, यहाँ तक कि मतलब वो बल्लू भगत जी हैं, वो फोन पर भी अपना मतलब झाड़ा लगाते हैं, हमारे लिए तो वही दवा है। हमें चाहे जो मर्जी हो जाए, हमारे बच्चों को जो मर्जी हो जाए, हम सिंपली उनको कॉल करते हैं कि भगत जी आप प्लीज झाड़ा लगाइए, हमें मतलब ये प्रॉब्लम आ रही है। और आप यकीन नहीं करोगे, आई थिंक जहाँ विश्वास होता है वहां सब होता है। बिल्कुल बिल्कुल एक झाड़ा लगाते के साथ ही हमें सहारा आ जाता है। यहाँ पे एक मेरी सिस्टर भी रहती है, तो उसके बेटे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती रहती है, आए दिन वो डॉक्टर के पास जाती है, 3-4 लाख रुपए लग जाते हैं, पर वो इन चीजों को नहीं मानती। तो मेरा बेटा जब भी बीमार होता है, मैं कोई ज्यादा टेंशन नहीं देती हूँ, मैं सिंपली कॉल करती हूँ कि बाबा ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है, तो वो बोलते हैं बेटा फोन लगा, उसके कान के लगा, मैं झाड़ा लगाता हूँ अभी हनुमान जी का। तो हमें वो लगता है कि हमारे लिए वो सारी दवाइयां मेडिसिन जो भी है हमारे लाइफ में वही है। हम वहां पे जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बस यही हमारा घर है, बिल्कुल लास्ट में यही बस हमारी बहुत डेस्टिनेशन है। नहीं, प्रभु की बहुत सारी विशेष कृपा है आपके परिवार पर। और
प्रभु की लीला अपरंपार, और आपने जिस तरह अपनी बहन के बारे में जो भी डिटेल्स बताई, बस आज मेरे पास वर्ड्स नहीं है, गूजबम्स आ रहे थे जब आप उस सीन एक्सप्लेन कर रहे थे मंदिर के अंदर उनके साथ जो जो हुआ। और कहते हैं ना, जिन जहां पे बजरंग बली की उपस्थिति होती है और जिन पर बजरंग बली की कृपा होती है, दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसका बाल भी बाका नहीं कर सकती। और एक एक चीज पूछना चाहूंगा, आप जिस मंदिर में गए थे आप एक बार बता देंगे फिर से, ताकि दर्शकों को पता चले, ताकि हरियाणा में नियर बाय जो भी हो जिनको जाना है उस मंदिर में, और वहां के भगत जी का नाम फिर से बताइए, और वो मंदिर एग्जैक्टली कहाँ पड़ता है वो बता दीजिए, ताकि दर्शकों को भी पता चले अगर उन्हें जाना है। ये है फतेहाबाद, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है खराती खेड़ा, गुजरों का गांव है सर, वो उसी में ढाणियों में गांव पड़ता है। जब भी आप खराती खेड़ा जाके फतेहाबाद में जाके पूछोगे कि बल्लू भगत जी का धाम या फिर हनुमान जी का धाम कहाँ है, तो वो आपको अपने आप बता देंगे। जो मैं डेफिनेटली, आप चाहे तो वहाँ के मंदिर के फोटो अगर आपके पास है शेयर करिएगा, मैं दर्शकों को वीडियो के माध्यम से मतलब बता दूंगा आपका, मतलब कहते हैं ना कि आपके अनुभव आपने जो शेयर किया बिल्कुल अद्भुत था, और हम और भी उत्सुक हैं आपके, और भी कोई जैसे आपने बोला था और एक अनुभव है प्लीज उसे भी डिटेल में शेयर करें, ताकि दर्शकों को भी हनुमान जी की भक्ति के लिए मोटिवेशन मिले प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल भैया बिल्कुल। एक एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस था ना भैया, उस टाइम मैं काफी छोटी थी, मतलब 2013 में सातवीं आठवीं क्लास में थी मैं, छोटी क्लास में आई थी, तो उस समय इतना ज्ञान नहीं था कि हनुमान जी ने अपनी प्रसिद्धि तो दिखाई, बट उतना उस चीज को समझने के योग्य नहीं थी शायद। तो उसके बाद भी मतलब ऐसा फिर कोई लाइफ में मोमेंट नहीं आया जहां मैंने इतनी भक्ति दिखाई हो श्री हनुमान जी के प्रति, श्री राम के प्रति। मैं नॉर्मली मतलब ये है कि मंदिर में जाते रहे हैं, पूजा करते रहे हैं, बट वो इतनी जो अटैचमेंट थी ना, वो उसके बाद कभी फील हुई नहीं थी, क्योंकि कभी इन चीजों में मतलब ध्यान नहीं गया, अपने कामों में लगे रहे। उसके बाद एक मोमेंट ऐसा आया कि प्लस टू के बाद शादी हो गई, बच्चा होने के बाद मेरे को ऐसे था कि मेरे परिवार में बहुत सारे जो है आजकल ट्रेंड चला हुआ है विदेश जाने का, कनाडा जाने का, ऑस्ट्रेलिया जाने का, तो मेरे को भी ये था कि मैं भी विदेश जाऊं, मैं भी अपना मतलब कुछ करियर शुरू करूं आगे जाके। तो उसमें सबसे बड़ी अड़चन क्या थी भैया, मेरी स्टडीज की अड़चन थी कि मैं एक हिंदी स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, मेरी इंग्लिश का लेवल इतना ज्यादा नहीं बढ़िया था, बट आज देखो मैं इंग्लिश ट्रेन करती हूँ, वो भी सिर्फ श्री हनुमान जी की कृपा से। हाँ जी, मैं एज ट्रेनर हूँ और मैं ऑनलाइन करवाती हूँ, क्योंकि जो बच्चे नहीं कर सकते हैं, मैं हनुमान जी की दया से उनको आगे बढ़ाने का अब काम कर रही हूँ एज अ टीचर। हाँ जी, तो ये मेरे साथ हुआ, जो मेरी पूरी काया पलट हुई वो आज से कम 6 महीने पहले शुरू हुआ था भैया, जब मैंने सोचा कि मेरे को आयस करनी है, बट मेरे सबसे जो बड़ा पहाड़ था मेरे सामने इंग्लिश था, क्योंकि मेरे को नहीं लगता था कि मैं कुछ कर पाऊंगी इंग्लिश में, मेरे को बिल्कुल भी इसकी नॉलेज भी नहीं थी। फिर भी मैंने करते करते 3 महीने जो रीडिंग के आयस के 4 मॉड्यूल्स होते हैं ना भैया, तो मैंने तीनों में तो अच्छी महारत हासिल कर ली, स्पीकिंग भी कर लेती थी, लिसनिंग राइटिंग भी कर लेती थी, बट वो रीडिंग थी ना, वो ऐसा फोबिया बना गई मेरे अंदर कि मैंने 2 एग्जाम्स दिए, मतलब उसके 17,000 लगते हैं भैया एग्जाम के, मतलब इतना मेरे को प्रेशर क्रिएट होने लग गया, मेरे आसपास वाले सारे बोलने लग गए जब तेरे से होता ही नहीं तो क्या जरूरी है करना है, हिंदी मीडियम से आई है उसी वहां तक ही रहा, कहाँ विदेश जाने के सपने देख रही है, ये वो। तो मतलब चीज चाहे बहुत छोटी सी है, बट किसी के लिए जब वो सपना हो ना, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज है। मेरे लिए वो चीज बहुत बड़ी बन चुकी थी कि मेरे से हुआ नहीं, मतलब मैंने अपना 110% मैं जिस चीज में दे रही हूँ फिर भी नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें हमें एक और तरफ ले जाती है भक्ति भाव के। तो मैंने हमारे कॉन्टेक्ट में 1-2 पंडित जी हैं, मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि आप आपके माघ मूल है, ये वो चीजें हैं, आप नहीं कर सकते हो, आपकी भाग्य में नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। पर मेरे को, मेरे हस्बैंड को उस चीज पे यकीन नहीं हुआ था, मेरे हस्बैंड बोले तुम मेहनत करते रहो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। फिर मैंने मतलब मैं जहां से आती जाती थी कुम्हारिया से फतेहाबाद, ऐसे मेरा ससुराल वही पास में है, तो एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर है हनुमान जी का बडोपल में, बहुत ही प्यारा मंदिर है, अगर कोई वहां पे नियर वियर हो तो जाके जरूर देख के, बहुत प्यारी मूर्ति है। मैं जब भी उसके सामने से गुजरती ना, तो मेरे को ऐसे अपने आप ही आंसू आने लग जाते हैं ना, मैं मतलब दोपहर के 2 बजे के टाइम मैं स्कूटी लेके वापस जा रही हूँ, छोटा सा मेरा बच्चा है, उसको दूध भी नहीं पिलाया, मैं उसको घर छोड़ के आ रही हूँ, मैं पूरा पूरा दिन अकेडमी में बिता रही हूँ, फिर भी कुछ
कुछ मिल भी नहीं रहा, उसका फल भी नहीं मिल रहा, तो बहुत ज्यादा। फिर मैं दोपहर में एक दिन मैं गई तो मेरे को वैसे ही प्यास लगी हुई थी, मैं मंदिर में ठहर गई। मैं पहले वैसे उस मंदिर में कभी गई नहीं थी, वो मेरा फर्स्ट टाइम ही था कि मैं उस मंदिर में रुकी। तो मैंने पानी वानी पी के मेरा मन किया, अभी दोपहर का टाइम था, कोई नहीं था, तो मैं अंदर चली गई। तो मैं अंदर जाके मतलब जैसे वो मूर्ति देखी ना, मैं वहां पे बैठ गई और मेरे अपने आप आंसू चल रहे हैं आंखों से ना। तो मैंने ऐसा क्या कर दिया है बताओ। मैं आपकी मतलब मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी पुजारण हूँ, बट मेरे घर में हमेशा आपको पूजा गया है, सर्वप्रथम स्थान दिया गया है, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, सबका हो जा रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है। मैं वहां पे बैठी ना, ऐसे मेरे आंसू चल रहे, मैं रो रही हूँ, मैं पूरा एक घंटे तक बस वहां रोई गई। वो दिन था भैया, जैसे ही मैं घर पे पहुंची, मेरे को एक नई ऊर्जा का एहसास हो रहा है अपने अंदर ना, कि तू कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को एक अलग सी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। जो चीज मेरे साथ हुई, मैं बहुत ही मतलब जितना मैं डिप्रेशन में थी उतना ही मैं बहुत अच्छे मूड में हो गई। मैं घर आई, मैंने मेरे बेटे के साथ टाइम स्पेंड किया उस दिन के बाद, मतलब मेरा रोजाना वहां से आना जाना हो गया। फिर मैंने संकल्प लिया 21 दिन पहले मेरे एग्जाम से, फिर मैं रोजाना सुबह शाम बिना कुछ खाए पिए उठ के मैं श्री राम जी का 1008 बार जाप करूंगी सुबह और शाम दोनों टाइम। हाँ जी, और हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, उनकी उनका दिया करूंगी, उनका ध्यान करके ही मैं कोई काम सुबह और शाम शुरू करूंगी। तो मेरे साथ साथ भैया आप यकीन नहीं करोगे, एक ऐसी चीज हुई मेरे साथ कि मेरा बेटा सिर्फ 1.5 से 2 साल के बीच का ही है, तो क्या हुआ, वो जैसे ही उठता ना, वो कोई और काम नहीं करता, वो पहले उठ के वो मैंने जहां मंदिर बनाया हुआ है उसको खिलवाता कि इसको खोलो, और वहां पे ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, बाबा बाबा तू आ जा, वो ऐसे बोलता है सर। मतलब मेरे को और भी चीजें इतनी मेरे को अटैच कर गई हनुमान जी से कि मेरा बेटा भी, मतलब मैंने कभी उसको बताया नहीं ये चीजें तेरे को करनी है या तेरे को कुछ भी, वो इतना ज्यादा अटैच हो गया हनुमान जी से कि मेरे से भी ज्यादा वो उनकी करने लग गया, बाबा बाबा हर टाइम वो ऐसे करता है। हाँ जी, तो उसके बाद क्या हुआ भैया, 21 दिन का मेरा संकल्प पूरा होने वाला था। मन में एक डर भी था कि मैंने पहले भी 2 बार पैसे लगवा चुकी हूँ, मैं टीचिंग के भी पैसे ले रही हूँ, मतलब लगभग 1.5 लाख का मेरा खर्चा लग चुका था आराम से उससे पहले। हाँ जी, तो मन में डर भी था, पर मैं गई, मैंने एक वो दिया जलाया जाने से पहले सुबह सुबह हनुमान जी के उसी बड़ोपल वाले मंदिर में, और मैंने बोला कि हे हनुमान जी, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया है, अब जो भी करना है वो सिर्फ आपको करना है, अब आपके हाथ में सब कुछ देख के जा रही हूँ, मेरे को उस चीज की अब कोई टेंशन नहीं है। मैं गई भैया, मैंने उनका नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके, मैं बागेश्वर धाम का नाम लेके मैं बैठी और मैंने अपना पेपर शुरू करना कर दिया। मेरे को पेपर करते हुए मेरे को वैसी फीलिंग कभी आई नहीं, पहले बार जब मैं रीडिंग का एग्जाम देती थी मेरे को लगता था होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। जब मैं बाहर आई, मेरे पापा ने पूछा कैसा हुआ, बहुत अच्छा हुआ एग्जाम, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ जी, बहुत अच्छा हुआ। 14 दिन मेरे हस्बैंड पूछते रहे भी रिजल्ट कैसा आएगा, 2 बार नहीं हुआ कैसा, अरे मैं हनुमान जी हैं, अपने आप देख लेंगे, अपने आप ठीक कराएंगे, मैंने जो करना था वो कर दिया, मेरे को अब कोई टेंशन नहीं है। तो रिजल्ट वाला दिन आया, एक दिन पहले नींद नहीं आ रही भैया, रात को कभी 2 बजे आँख खुल रही है, कभी 4 बजे आँख खुल रही है, और बस श्री हनुमान जी के मतलब भजन सुन रही हूँ, सिर्फ राम राम कर रही हूँ, क्योंकि एक ना बहुत ही मेरे लिए वो बहुत बड़ा मोमेंट था। तो जैसे रिजल्ट 5 बजे देखा मैंने, मेरे तो आंखें फटी की फटी रह गई कि जिस बंदे के कभी 5.5 आते थे उसके सीधे 7 आए हैं, मतलब मेरे को यकीन नहीं हो रहा, इतना खुशी का मोमेंट था वो। श्री हनुमान जी ने मेरी बिल्कुल इस चीज में कायापलटी कर दी थी। उसके बाद मैंने अपना काम भी शुरू कर दिया, मैं अच्छे खासे पैसे भी कमा रही हूँ बस श्री हनुमान जी की कृपा से, श्री राम जी की कृपा मेरे और मेरे घर परिवार पे बस ऐसे ही बने रहे। और भी बहुत सारे इंसिडेंट हो जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, सभी भक्तों के साथ शेयर कर सकूं। बिल्कुल, प्रभु की विशेष कृपा है, और कहते हैं ना असंभव को संभव केवल प्रभु ही कर सकते हैं। तो और यस, देखो उतार चढ़ाव तो जीवन का एक हिस्सा है, ठीक है, मतलब उससे घबराना नहीं, मगर जो भक्त जो इंसान कोई भी कार्य में प्रभु को प्रमुख रखकर कोई भी कार्य करता है ना, तो कहते हैं ना उसे असफलता कभी नहीं मिलेगी। फिर आपको रियलाइज हुआ, प्रभु से एक चित्त हुए, आंखों से आंसू बहने लगे, अपनी मदद की गुहार लगाई, और फिर जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, वो हम हल्के हो जाते हैं पूरे, कि नहीं अभी टेंशन नहीं, अब प्रभु है ना तो कोई बात की चिंता नहीं। फिर आप एग्जाम लिखने बैठे तो भी प्रभु को याद करके लिखना शुरू किया,
तो आपने प्रभु को प्रमुख रखकर सारे कार्य करने शुरू किए, तो फिर सफलता तो मिलनी ही है। तो जन्मदिन भी है भैया, तो सबसे पहले मैं हनुमान जी के मंदिर में जाके ही उनको मत्था टेक के आई कि आज भी मतलब मैं आपके चैनल पे आ रही हूँ, तो ओहो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात थी कि मेरे जन्मदिन के दिन आप मेरे को इतना अच्छा उपहार दे रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी कृपा है आप पर, और आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा आप पर ऐसे ही बने रहे, आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, और प्रभु आपके पूरे परिवार की ऐसे ही रक्षा करे, यही प्रार्थना है हमारी। ये ऐसा कोई इंसिडेंट पहला है जिसमें ये मतलब सेशन में जिसमें कोई भक्त आ रहा है और उसका जन्मदिन है, तो ये प्रभु की ही मर्जी होगी। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, और मेरे आज जन्मदिन को प्रभु से बहुत अच्छा उपहार मिला। मैं उसकी बहुत, आपकी भी बहुत आभारी रहूंगी कि आपने मुझे मौका दिया। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सभी उन भक्तों के लिए जिनको एक एक अटूट विश्वास है हनुमान जी में। आप उनका विश्वास और भी ज्यादा बढ़ा रहे हो, और हमारा सपोर्ट आपके साथ है हमेशा। बिल्कुल ऐसे थैंक ही यू, बस ये आप सभी भक्तों का सपोर्ट है और प्रभु की कृपा है, हम नियमित हैं, वही सब करा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, इतना प्यार और सपोर्ट जो दे रहे हो। आपके अनुभव काफी इंस्पिरेशनल रहे, और ये वाला अनुभव भी आज की जो युवा पीढ़ी है ना, जो वो गिव अप कर देती है, थोड़े में ही हार मान जाती है, तो जी, उनके लिए बिल्कुल काफी इंस्पिरेशन देगा, और स्पेशली महिला भक्तों को भी, जब एक महिला भक्त खुद आके आगे आकर अपना अनुभव शेयर करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति अगर आपको हो तो प्लीज हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। एक सवाल और, जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे ही आपने बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर इंस्पिरेशन ली होगी, तो बाकी हमारे वीडियोस देखने पर आपको क्या ऐसा इम्पैक्ट पड़ा है आपके माइंड पर, क्या इंस्पिरेशन मिली है जिससे आपको अंदर से लगा कि नहीं, मुझे भी शेयर करना चाहिए? प्लीज शेयर करें, आपके क्या थॉट्स हैं? बिल्कुल भैया, जैसे कि मैंने बताया कि आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो। YouTube चैनल्स तो बहुत हैं, बट जैसा आप कर रहे हो चीजों को आगे लेके आ रहे हो हनुमान जी से प्रति, वो बहुत अच्छा है। जब मैं खाना बनाती हूँ, या मैं कोई भी काम करती हूँ, या मेरा बेटा भी अभी फोन देखने की जिद करता है, तो मैं आपसे रिलेटेड ही वीडियो उसको दिखाती हूँ कि चाहे वो कुछ समझे ना, पर उसके कानों में हनुमान जी के शब्द ही जाए, वही बहुत अच्छी बात है। आपके जो वीडियोज है वो मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा पसंद है। वो मेरे को बोल रही थी कि उनका भी नाम लेना, आपको बताएं कि उनको बहुत पसंद है। वो सारा दिन बस अपने फोन में वही देखते रहते हैं। उनका भी विश्वास बहुत ज्यादा टूट हो गया है हनुमान जी के प्रति। आपके वीडियो से इंस्पिरेशन बहुत मिलता है भैया। बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग आते हैं वो हार नहीं मानते हैं। यही चीज आपके वीडियो से सीख के ये सब हुआ है, थैंक यू, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। हमारा दिल से आपके साथ सपोर्ट है, और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी माता जी को भी हमारी तरफ से जय श्री राम कहिएगा, और आपने स्पेशली अपने बच्चे के लिए जो आपने बोला, आपने बीज बो दिया है, और प्रभु ही आपको प्रेरणा देंगे उसे और कैसे आगे बढ़ाना है, ताकि जीवन के मैं उतार चढ़ाव। हमेशा ये बात बोलती हूँ मेरे बेटे को भी, मतलब चाहे वो समझे ना कि तू बड़ा होके चाहे कुछ मत करियो, और जो बड़ी जॉब मत करियो, चाहे जो मर्जी तेरा जो दिल करे वो करियो, बस श्री राम का भगत इतना मतलब महान बनियो कि मेरे को लगे कि हाँ ये मेरा बेटा है। जैसे मैं करती हूँ वो सेम चीजें, तो भी अपनी लाइफ में बिल्कुल, श्री राम जी, श्री हनुमान जी का नाम लेकर ही अपना हर कदम आगे बढ़ाएगा। बहुत अच्छे हैं, और काफी महिला भक्त अपने आपको देखकर इंस्पायर्ड होगी, क्योंकि देखो मैंने पहले भी कहा है, शिक्षा तो हम स्कूल में भेजकर वो शिक्षा प्राप्त तो कर सकता है हमारे आपका जो बेटा बेटी जो भी है, मगर संस्कार बहुत टफ चीज होती है माँ बाप के लिए अपने बच्चों में देने के लिए। अगर जो माँ बाप बचपन से ही संस्कार देने शुरू करते हैं ना, तो बच्चा जब बड़ा होता है, जीवन को लाइक उतार चढ़ाव को जब फेस करता है, जब माँ बाप उसके साथ नहीं होते हैं, तब ये सारी चीजें उसे तब काम आती है, वो फाइट करके आगे आके अपने आपके जीवन को सफल बना सकता है। कदम हमेशा भैया अंधेरे के टाइम काम आएंगे। मतलब मैं गरीबों की हेल्प करती हूँ, तो मेरे को लगता था भी मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरे को आगे तो आए नहीं, बट मेरे को पता लगा कि आपके कर्म कभी पानी में नहीं जाते। जब आप बिल्कुल, अंधेरे में होंगे तो आपके कर्म ही होंगे जो आपका हाथ पकड़ के आपको ऊपर लेके आएंगे। और बिल्कुल, और प्रभु प्रभु आपके द्वारा सोचो सेवा करा रहे हैं। देखो आप, हम कितने भाग्यशाली हैं, हम बिल्कुल, कितने बहुत भाग्यशाली हैं भाग्यशाली कि हूँ। कोई ना कोई बहाने, कई लोग बोलते हैं कि मैं तो इतना दान पुण्य करता हूं, मैं ये करता हूं, मगर आप ये सोचो वो आप नहीं, प्रभु करा रहे हैं आपके माध्यम से, तो कितने भाग्यशाली हैं आप, सोचो।
नहीं, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ सत्संग करके, बहुत प्यारा सत्संग रहा। और एक लास्ट सवाल और पूछना चाहूंगा वीडियो को एंड करने के पहले। हाँ, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी प्रभु के लिए वन लाइन में अगर आपको बखान करना है तो आप कैसे करेंगे? बस भैया एक ही लाइन है, मंगल करण अमंगल हारी, बस यही है मेरे मन में एक श्री हनुमान जी के प्रति, कि वो सब दुखों को हर लेते हैं और बस सुख ही सुख हमारी लाइफ में करते हैं। बस एक विश्वास आप उन पर बना के देख लीजिए, एक बार बस आपको विश्वास बनाना है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आपको किसी चीज की और जरूरत ही नहीं पड़ेगी लोगों के सामने हाथ मांगने की या कुछ भी करने की। बस देखो, आश्रित होना है ना तो प्रभु के आश्रित रहो, वे किसी के सामने आपको हाथ फैलाने नहीं देंगे, बस बेफिक्र होकर उन पर विश्वास रखो। किसी और के सामने जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत प्यारा सत्संग रहा, इन फ्यूचर भी कोई अनुभूति हो तो हमसे जुड़िएगा। और वीडियो को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है, हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा कर ही वीडियो को एंड करेंगे। आप जुड़िए, जो भी भक्त भारत में जहां कहीं से भी देख रहा है, भारत के बाहर हो, चल फिर रहा है ट्रैफिक में, ऑफिस में, सिग्नल में, किचन में, प्लीज हमारे साथ जुड़िए जयकारे में और फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, अपने प्यारे प्यारे अनुभव वंस अगेन शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम।